हमारे इलाके के एएस ऑफिसर साहब भाई और लोगों में काफी उम्मीदें जा चुकी हैं कि आप हमारे काम पे रुकेंगे नहीं, जो ब्रेन और टेबल लगाते रहे वो नहीं होंगे इंशाल्लाह। और हमें बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे इलाके के ये ऑफिसर आए हैं और इनके वालिद मोहतरम ने जितने अपने पौधे लगाए हैं उन सबको ये खुशी है कि उनके बेटे आज आला पोस्ट पर तैनात हुए हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये पुंछ तशरीफ लाए और हमारे लोग काम करेंगे। हमारे शहर पुंछ के या ये यूं मैं कहूं कि हमारे घर के आली जनाब मोहतरम बशारत साहब बहसियत आरटीओ यहां पर तैनात हुए हैं। हम इनके यहां पर तैनात होने पर आज जम्मू एंड कश्मीर लो पेड एम्प्लाइज फेडरेशन की जानिब से और बिलखसूस पुंछ यूनिट की जानिब से इन की खिदमत में और इनके तमाम खानवादे की खिदमत में समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करते हैं। जहां तक इनकी शख्सियत का ताल्लुक है तो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आली जनाब मरहूम मकफूर जनाब अब्दुल अहद जामी साहब के ये फरजंदे अर्जुमन हैं और जनाब जामी साहब के साथ हमने एक अरसा गुजारा है उनकी रहनुमाई में लो पेड एम्प्लाइज फेडरेशन और टीचर एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की हैसियत से उनके साथ हमने काम किया। देखिए मैं इससे पहले आरटीओ गांधरबल था, एज ए पार्ट ऑफ ट्रांसफर अब मैंने एज ए आरटीओ पुंछ ज्वाइन किया एज पर ऑर्डर्स फ्रॉम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो सर यहाँ पर काफ़ी समस्या आती है ट्रैफिक को लेकर, बस स्टैंड में जो जामिंग रहती है उस पर भी आप सर कैसे काम करेंगे? तो इसके लिए स्पेसिफिक एक ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, उनके साथ कोलैबोरेट करके कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन को दूर किया जाए और लोगों के लिए सहूलत का बायस बनेंगे। सर कुछ छोटे बच्चे अंडर एज जो स्कूटी चलाते रहते हैं, जैसे घर वाले जो स्कूटी दे देते हैं उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता, उन पर भी आप कैसे करेंगे? कि उस पर प्रॉपर कार्रवाई होगी, लेकिन लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना बिल्कुल मना है। जो एज़ पर रूल्स एज पर एक्ट जो उन पर कार्रवाई बनती है वो की जाएगी, टाइम टू टाइम एनफोर्समेंट का काम किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट में ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, और जो बिना लाइसेंस के पाया जाएगा उसको एज पर एक्ट डील किया जाएगा। तो सर जैसे आज आपने पुंछ ज्वाइन किया आपने डिस्ट्रिक्ट होम टोल में, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है लोकल होने के लिए, लोगों की एक्सपेक्टेशन से कोशिश करेंगे उनकी एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरें। तो सर मीडिया के हवाले से आप पुंछ के लोगों से भी क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि किसी भी जलासे में मत आएँ, प्रॉपर तरीके से वो हमारे पास आएँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है हमारे पास हम उसको एड्रेस करेंगे। हमारा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव फील्ड में नहीं है, किसी भी आदमी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, माफिया के साथ इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। जेन्युइन काम आपका लेजिटिमेट काम जो भी होगा हम करेंगे, जो इलेजिटिमेट है वो नहीं हो। सर जैसे देखा जाता सुनने में जाते कई बार गाड़ियाँ वाले जो प्राइस अपनी मर्जी से देते हैं उन पर उस पर चेकिंग करेंगे, जो एज पर द रेट्स विच आर अप्रूव्ड बाय द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उसके हिसाब से ही उनको फेयर ले रहे हैं, जो उससे ज़्यादा लेता पाया जाएगा तो उसको फाइन किया जाएगा।